नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला रात न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ढुलमुल रवैये के कारण बढ़ते अपराधों के ग्राफ ने आम नागरिकों को असुरक्षित कर दिया है। पिछले कई दिनों से जबलपुर के रामपुर क्षेत्र अपराधियों और गैंगवारी का गढ़ बना हुआ है। बीती रात रामपुर छापर में एक युवक को घेर कर चाकू से गोद दिया गया, जिसमें चाकू उस युवक के कंधे में फंसा रह गया। युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के संबंध में गोरखपुर थाना प्रभारी ने बताया कि रामपुर छापर निवासी प्रदीप दुबे अपने कार्य से जा रहा था, वहीं रास्ते में अमन जैन ने उसे रोककर विवाद किया एवं चाकूओं से गोद दिया। युवक को इतनी बेरहमी से वार किया कि एक चाकू उसके कंधे में फंस गया। हमला करने के पश्चात आरोपी अमन जैन फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस एवं परिजनों ने घायल प्रदीप को एक निजी अस्पताल में पहुंचाया, जहां से उसे मेडिकल रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों ने अथक प्रयास के बाद युवक का चाकू निकालने का प्रयास किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को ना समझ मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सर, ये कल घटना हुई, चाकूबाजी की, क्या था मामला, किस तरह? ये प्रार्थी प्रदीप दुबे, पिता श्री अन्ना राव दुबे, ये विजयनगर छापर के निवासी है। इनको इनकी दुकान के पास में कल विवाद हुआ है। इनके पुरानी रंजिश थी अमन जैन से, और इसी बात पर से हाथ पे अमन जैन ने उसको चाकू मार के फरार हो गया, जिसकी सरगर्मी से तलाश जारी है। प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया, विवेचना जारी है। किस वजह से हुआ था ये? पुरानी बुराई बताया ना आपको। चाकू कहाँ पे लगी सर? हाथ पे। आप पूरा स्टेटमेंट सुन नहीं रहे यार, आप यहाँ